हाय गाइस, वेलकम टू लव्स किचन। आज हम मटर चाट की रेसिपी बनाएंगे। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। ये करीब 250 ग्राम सफ़ेद मटर है जिनको हमने रात भर भिगो के रखा था। अब हम इनको प्रेशर कुकर में बॉईल कर लेंगे। कम से कम 7-8 सीटी होगी। आपको अगर ज़्यादा गले हुए मटर चाहिए तो आप थोड़ा एक चौथाई छोटा चम्मच खाने का सोडा भी इसमें डाल सकते हैं। मैंने नहीं डाला था, पर इन 7-8 सीटी आएंगी। एक कढ़ाई को हम बर्नर पे रखेंगे ऑन करके, और कढ़ाई गर्म होने पे उसमें सरसों तेल डाल देंगे। गर्म तेल में अब हम एक छोटा चम्मच जीरा डालेंगे। जीरा हम चटकने देंगे और एक बड़ा चम्मच प्याज का पेस्ट इसमें डाल देंगे। प्याज के अच्छी तरह से ब्राउन हो जाने पे हम दो कटे हुए टमाटर इसमें ऐड करेंगे। एक छोटा चम्मच हल्दी इसमें अब ऐड करेंगे। एक छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर अब इसमें हम ऐड करेंगे। दो छोटे चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे। सब कुछ अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए। स्वाद के अनुसार नमक इसमें आप ऐड कर दीजिए। अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए और अब हम इसमें उबली हुई सफेद मटर को मिला देंगे। कुछ देर धीमी आंच पे इसे और पकने दीजिए। कुछ देर पकने के बाद अब ये मटर चाट के लिए तैयार है। एक छोटी प्लेट लीजिए। अब प्लेट में मटर डालिए। अब मटर के ऊपर थोड़ी सी हरी चटनी डालिए। अब थोड़ी खट्टी चटनी यानी कि इमली चटनी इसके ऊपर डालिए। फेंटी हुई दही इसके ऊपर से डालिए। थोड़ी कटी हुई प्याज इसके ऊपर डाल दीजिए। अब थोड़ी और इमली की चटनी इसके ऊपर डाल दीजिए। अब इसमें क्रंच पैदा करने के लिए हम कुछ छोटे वाले नमक पारे इसमें ऐड कर देंगे। अब हमने कुछ पापड़ हाथ में तोड़ के रखे थे, ये ऊपर से छिड़क देंगे।
अब इसमें कुछ ऊपर से बेसन की भुजिया डाल दीजिए। अब ऊपर से कुछ ताजी कटी हरी धनिया के पत्ते डाल दीजिए। अब थोड़े एक्स्ट्रा क्रंच के लिए इसमें थोड़ी और बेसन भुजिया हम ऊपर से डाल देंगे। कुछ और नमक मिर्च हम इसमें ऊपर से डाल देंगे। अब थोड़ी और पापड़ी तोड़ के इसके ऊपर से छिड़क दीजिए। मटर की चाट अब तैयार है, अब इसे आप एंजॉय कीजिए। इस चाट को जरूर ट्राई कीजिएगा। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशन सो यू गेट लेटेस्ट अपडेट्स ऑफ आवर चैनल। थैंक यू सो मच।